जब आपका एम बायर्न म्यूनिक को बीट करने का हो तो आपको एक प्लान के साथ आना पड़ेगा, एंड बॉय डिड मार्को रोस कम अप विद अ प्लान अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक। फर्स्ट कुछ मिनट्स में 2-0 डाउन होने के बाद भी दे वेंट ऑन एंड बीट बायर्न म्यूनिक 3-2। 20 गेम्स अनबीटन स्ट्रीक थी बायर्न म्यूनिक की, फाइनली एंड हुई है। हाउ डिड दिस हैपन, व्हाट डिड दे डू, इसी गेम के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, बोरुशिया मुंशनग्लैडबैक वर विनिंग बॉल इन द सेंटर ऑफ द पिच। दे वर नॉट प्रेसिंग थ्रू देयर डिफेंडर्स, दे वर नॉट प्रेसिंग देयर अटैकर्स। बोरुशिया मुंशनग्लैडबैक प्रेस कर रही थी मिडफील्डर्स को। किमिश ने मिस्टेक्स की इस गेम में, गोरेट्स्का ने मिस्टेक की इस गेम में, मुलर, आई डोंट थिंक मुलर वॉज प्लेइंग, आई एम नॉट श्योर मुलर वॉज प्लेइंग, आई डोंट। बायर्न म्यूनिक एक ऐसी टीम है जो आपके कीपर से प्रेस करती है, ठीक है, दे प्रेस योर बैक लाइन, दे प्रेस यू फ्रॉम द फ्रंट। अब जब आपकी टीम प्रेस हो रही है फ्रॉम द फ्रंट, आपके सेंटर बैक्स पे प्रेशर है, तब आप उनके फुल बैक्स भी प्रेस करते हैं, उनके मिडफील्डर्स भी प्रेस करते हैं, उनके फॉरवर्ड्स भी प्रेस करते हैं। इन केसेस में सेंटर बैक्स को काफ़ी हाई चढ़ना पड़ता है ताकि गैप्स ना छूटे बिटवीन द लाइन्स। सेंटर बैक्स जब हाई चढ़ेंगे पीछे स्पेस छूटेगी, दैट इज वॉट बोरुशिया मुंशनग्लैडबैक एक्सप्लॉइटेड। जब सेंटर बैक्स बायर्न के हाई चढ़े, देर वर स्पेसेस, बोरुशिया मुंशनग्लैडबैक ने अपने 3 से 4 प्लेयर्स, अपने 3 मिडफील्डर जो उनके 4-4-2 फॉर्मेशन में थे, दैट इज होफमैन हो, चाहे न्यूस हो, चाहे क्रामर हो, तीनों ने प्रेस किया उनके मिडफील्डर्स को। इवन स्टिंडल केम बैक, इवन उसने मिडफील्डर को प्रेस किया, वन द बॉल, स्टिंडल ब्यूटिफुल बॉल्स फॉर होफमैन। फर्स्ट गोल क्लियर काउंटर था, एक पास एंड गोल, इट वॉज लिटरली लाइक फीफाइस्क गोल था वो। दे वन द बॉल इन द मिडफील्ड, एक पास थ्रू द मिड डिफेंस, गोल। सेकेंड वन अगेन, एक पास थ्रू द डिफेंस, गोल। पीपल हैव बीन सेइंग दिस थिंग, बायर्न आर बीटन, हाउ डू वी बीट बायर्न, हाउ डू वी बीट बायर्न, हाउ डू वी बीट बायर्न। इट्स दैट सिंपल। बायर्न म्यूनिक प्रेस में ओवर कमिट करती है द सेम वे अदर टीम्स डू इट, बट बायर्न म्यूनिक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेस करती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। दैट इज़ वॉट दे डू, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ देयर गेम। बट हर एक प्लेइंग स्टाइल के पर्क्स भी होते हैं, तो उनके कुछ ना कुछ कॉन्स भी होते हैं। दिस इज द कॉन ऑफ प्लेइंग द बायर्न वे। अगर आप एवरेज पोजिशंस देखिए प्लेयर्स की, सारे के सारे द 4-4-2 फॉर्मेशन में आप लेफ्ट साइड देखिए, 3 से 4 प्लेयर्स वहां पर प्रेस कर रहे हैं मिडफील्डर्स को, मिडफील्ड के जोन में है। दे आर विनिंग द बॉल, दे आर मेकिंग अ डार्टिंग रन एंड दैट्स इट, दे आर आउट। क्योंकि सेंटर बैक्स सूला के साइड से मेनली अटैक्स हो रहे थे, सूला के साइड से मेनली प्रेशर हो रहा था। सूला इज नॉट द क्विकेस्ट ऑफ द सेंटर बैक्स, ही इज जस्ट नॉट। एक हाई लाइन पे स्कोर करने के लिए ऐसे काउंटर्स बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, एंड दैट्स जस्ट हाउ बायर्न म्यूनिक कंसीड। क्योंकि बायर्न म्यूनिक इस सीजन ही नहीं, लास्ट सीजन भी वल्नरेबल लग रही थी व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स, एंड मुंशनग्लैडबैक हैव वेरी इफेक्टिवली यूज्ड दिस। लास्ट सीजन अगर किसी को हॉफनहाइम वाला गेम याद होगा, बायर्न वाला, जिसमें बायर्न लॉस्ट, उस टाइम भी ये सेम चीज हुई थी। बायर्न म्यूनिक और प्रेसिंग वेरी हाई, उनने मिडफील्ड में बॉल लूज की एंड दे वर पनिश फॉर दैट। That is the same thing that happened in this game. They lost the ball in the midfield and they were punished for those mistakes. But it was an excellent tactical display from Borussia Mönchengladbach. They knew that Bayern Munich lack that thing. They knew that Bayern Munich jab high rahegi, unke piche spaces chhootte hain. Neuer is the absolute best goalkeeper in the world currently, but he could not save any of those shots. दो वन वर्सेज वन थे, एक लॉन्ग रेंज से टॉप कॉर्नर था, नो चांस फॉर सेविंग एनी ऑफ देम। तो क्वेश्चन अभी भी वही है, क्वेश्चन अभी भी वही है, हाउ डू यू बीट बायर्न म्यूनिक? इट्स दैट सिंपल। एवरेज पोजीशंस दोनों देखो टीम का एक बार। बोरुशिया मुंशनग्लैडबैक आर क्राउडिंग द मिडफील्ड ऑफ बायर्न म्यूनिक। वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि भाई हम मिडफील्ड में बॉल को विन करें। वही बायर्न म्यूनिक है, दे आर प्रेसिंग बियॉन्ड बोरुशिया प्लेयर्स, दे आर प्रेसिंग टू द फाइनल प्लेयर हु इज इन देयर टीम। इस वजह से उनका डिफेंस वल्नरेबल छूट जाता है। अगर बॉल विन होती है मिडफील्ड में, सीधा सीधा 3 से 4 प्लेयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट 3 एंड प्रोबेबली अ फुल बैक लाइक अल्फांसो डेविस, सीधा सीधा गेम से बाहर है। इट्स डायरेक्टली अ मैन्स एडवांटेज फॉर मुंशनग्लैडबैक। एक प्रॉपर बॉल एंड इट्स अ गोल, बिकॉज सेंटर बैक्स ऑब्वियसली आर नॉट द पीसीएस्ट एट एफ सी बायर्न म्यूनिक। दिस इज दैट सिंपल। सो हाउ डू यू बीट बायर्न म्यूनिक? अगेन द क्वेश्चन राइजेस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। Press in the midfield, try to win the ball in the midfield as much as possible, hold a low line, पीछे रुको, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ोगे तो लग जाएंगे, थोड़ी सी low line hold करो,
press in the midfield with all the power that you can and score on counters with fast strikers. Don't play Giroud a forward. So with that said, as always, bhai, if you like this analysis of how Bayern Munich were beaten by Borussia Mönchengladbach, bhai, drop a like. Like zarur karna bhai video pe. If you like this, nahi pasand aaya, dislike karo. Tell me in the comments, what do you think could have been a better way to beat Bayern Munich? Ya fir agar tumhare paas aur bhi koi tarika hai Bayern Munich ko beat karne ka, then do tell me in the defense. I'd be very interested to know. With that said, as always, this is FKR signing out. I'll see you next time.